विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी पर मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री मन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के लिए स्थिर किया है और उन्होंने श्रीमान नित्यानंद प्रभु को बोले और श्री मुकुंद जी को बोले और अपना हरिदास ठाकुर जी को बोले, गदाधर पंडित को बोले और गदाधर पंडित श्रवण करते हुए बोले प्रभु क्या घर में रहकर भजन नहीं हो सकता है। कारण क्या? गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी, वो राधा रानी ये नहीं चाहती हैं मेरे प्रियतम मेरे प्राण प्रिय धन भगवान कृष्ण वो सन्यास ग्रहण करे। और सन्यास जो धर्म है बड़ा कठोर धर्म है, है? इसलिए महाप्रभु पुरी में जब थे श्री गंभीरा में महाप्रभु रहे और गंभीरा देखे होंगे कितना छोटा सा जगह है और उसका अंदर में महाप्रभु नीचे शयन करते थे और एकदम सीधा साधा पहनना सीधा साधा रहना और 24 घंटा भगवान की भक्ति करना, इसलिए बड़े वैराग्य पूर्वक महाप्रभु जीवन यापन करते थे। इसलिए श्री जगदानंद पंडित तेल लाए, कहाँ से तेल लाए? बंगाल से तेल लाए। और उसी समय ट्रेन बस कुछ था ही नहीं, चल चल करके वहां से आते थे, महीना महीना भर लग जाता था। और उन्होंने मिट्टी पात्र में सुगंधित तेल प्रामित तेल लेकर के आए। क्यों? कभी कभी महाप्रभु कृष्ण विरह में पछाड़ खा करके गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। इसलिए जगदानंद पंडित ने देखा अगर महाप्रभु ये तेल लगाएंगे तो थोड़ी सी सर ठंडा रहेगा और थोड़ी सी शांत रहे। लेकिन महाप्रभु को तेल दिया तो महाप्रभु ने क्या बोले? ये तेल को लेकर के जाओ, जगन्नाथ जी का जो दिया जलता है, जगन्नाथ जी की दिया में, उनको आरती में दिया में इसको लगा देना। बस इतने में जगदानंद पंडित कृष्ण लीला में कौन थे? कृष्ण लीला में कौन थे? सत्यभामा। इसलिए सत्यभामा कभी राधा जी की ये प्रकाश है, राधा जी की ये प्रकाश है। राधा रानी का भावना किया हर समय में श्याम सुंदर को जितने हो सके उनको सुख प्रदान करो। इसलिए राधा रानी स्वयं कृष्ण सेवा के लिए अनंत रूप में है ललिता विशाखा चंपक लगता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी अनंत रूप में राधा रानी एक एक भाव को
उनने एक एक रूप देकर के अनंत रूप में श्याम सुंदर की राधा रानी सेवा कर दी। बोले क्या, मैंने इतना दूर से सर पर रख करके महीना महीना लग गया और आपकी सेवा के लिए लाई हूँ, लाया हूँ आपकी सेवा के लिए, और उसको कहाँ कर रहे हो, उसको जाओ जगन्नाथ मंदिर में दिया दिलाओ। यद्यपि वो अभिन्न जगन्नाथ है, अभिन्न जगन्नाथ महाप्रभु, लेकिन आपकी सेवा के लिए मैं लाई हूँ। इसलिए जब बोले जगन्नाथ जी का दिया जला तो दिया जला दे, उन्होंने महाप्रभु के सामने वो मटकी को लिया और महाप्रभु सामने पटक दिया पूरा महीना महीना दर। और जाकर घर में मान कर घर में जाकर सो गई, अंदर से कुंडली लगा कर प्रदीप्त होकर के। कारण क्या, कारण है राधा रानी कभी ये नहीं चाहती है हम हमारे प्रियतम श्याम सुंदर वैराग्य धारण करें। राधा रानी क्या चाहती है, हर समय कृष्ण महाप्रभु हर समय है एकदम ठाड़ बाड़ में रहे। इसलिए गदाधर पंडित बोले क्या घर में रहकर भजन नहीं हो सकता है, घर में रहकर भजन करो, घर में प्रतिकूल क्या चीज है, घर में तो माँ पिता माता तुमको घर में सबके सब पत्नी इतनी अच्छी मैया इतने प्यारी इतने किसी चीज कमी, इसलिए घर में रह करके भजन करो है, इसमें क्या भजन नहीं हो सकता। इसलिए गदाधर पंडित जी को बड़ा क्रोध आया गदाधर पंडित जी को। इसलिए यहाँ पर दो शिक्षा दिया है, पहला शिक्षा दिया है महाप्रभु जो सन्यास ले रहे हैं वो दुनिया को शिक्षा देते हैं जब तक जीव सन्यास नहीं लेगा ना तब तक जीव का कल्याण नहीं। इसलिए सन्यास एक दिन सबको लेना ही पड़ेगा है, सबको एक दिन सन्यास लेना पड़ेगा, ऊपर से हो बाहर से हो सन्यास एक दिन लेना ही है। क्योंकि जो पहला आश्रम है चार्य आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसको बाद में गृहस्थ, उसको बाद में वानप्रस्थ और लास्ट में सन्यास। इसलिए ये चतुर्थ आश्रम एक दिन सबको लेना ही है। सन्यास मतलब क्या है, समय के रूप में विषय को त्याग दे करके जो त्रिदंड है काय मन और वाक्य ये तीनों को दंडित करके भगवान की सेवा में उसको लगाना, यही सन्यास है। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं एक दिन सन्यास लेना। इसलिए कुछ कुछ लोग हमारे जैसे गौड़ीय वैष्णव, जैसे प्रभुपाद ने सबको ये गौरी के वस्त्र प्रदान किया है और प्रभुपाद ने ये सन्यासी त्रिदंड सन्यासी वहाँ दे करके सर्वत्र उन्होंने प्रचार प्रसार किया। कुछ सहजिया लोग हैं, हैं कुछ सहजिया लोग कृषि सहज करते हैं, कहते हमारे गोस्वामी लोग क्या सफेद कपड़े, क्या लाल कपड़ा था उनका, क्या गोस्वामी लोगों ने त्रिदंड सन्यास लिया है, ये कहाँ से ले आए त्रिदंड सन्यासी और ये गौरी के वस्त्र कहाँ से ले आए। इसलिए कोई कोई कुछ सहज या लोग हम लोगों को संप्रदाय को कृष्ण सहज करते हैं। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एक ग्रंथ निकाले जिसका नाम प्रबंध पंचकम, उसमें पांच प्रबंध है, उसमें एक प्रबंध में उन्होंने प्रमाण दिया है, कहते जितने पहले पहले हमारे आचार्य थे जैसे रामानुज आचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी निम्बार्क, ये चारों ही त्रिदंड सन्यासी थे, ये सब के सब सन्यासी थे हैं। और हमारे उसको पहले भागवत में त्रिदंड सन्यासी का कथा आता है, भागवत ग्रंथ में सन्यासी का कथा आती है हैं। और हमारे जो मूल हमारे जो संप्रदाय का नाम कौन है, कौन सा संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, मध्वाचार्य स्वयं सन्यासी थे, रामानुज आचार्य सन्यासी थे, और महाप्रभु स्वयं हमारी धारा के जो मूल श्री सचिनंदन गौरव है उन्होंने सन्यासी, हमारे सुनेंगे महाप्रभु कैसे सन्यासी ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने सन्यासी उन्होंने ग्रहण किया है, हैं इन्होंने स्वयं सन्यासी ग्रहण किए। अब महाप्रभु रहते समय वहाँ 9 सन्यासी थे, स्वर्ग दामोदर और ऐसे करके 9 सन्यासी महाप्रभु को समय में 9 सन्यासी महाप्रभु को साथ में रहते थे, त्रिदंड सन्यासी हैं। गुरुदेव ने उनका नाम को वहां पर उल्लेख किया है, उनका नाम को उन्होंने उल्लेख किया है, हैं? इसलिए सबके सब त्रिदंड सन्यासी, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया सबको त्रिदंड सन्यासी दे करके सर्वत्र महाप्रभु का वाणी को प्रचार और प्रसार किया हैं। इसलिए जैसे ये जो गौर की वस्त्र है, ये जो गौर की वस्त्र है ये हमारे वेदों में प्रमाण है, इसलिए गुरुदेव ने वेदों से श्लोक को उठा उठा करके उन्होंने श्लोक रूप में दिया है। कैसे पहले जो सन्यासी होते थे
जो ब्रह्मचारी जो लोग होते थे वो कैसा कैसे ऐसे वस्त्र पहनते थे। इसलिए अब रामायण देखो, रामायण में देखो जितने रामायण जो भगवान रामचंद्र जो कोई आश्रम में जाते हैं और ऋषियों का कैसा आश्रम, जो जहाँ ऋषि मुनियों का आश्रम कैसा वस्त्र है, सफेद क्या का वस्त्र गौरी के वस्त्र है। इसलिए शास्त्र में बताया ये वस्त्र धारण करने पर, गौरी के वस्त्र धारण करने पर ये काम को दमन करता है, काम को ये दमन करता है, है? इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान से कैसे हुआ स्वामी महाराज, उन्होंने बोले हम विधवा नहीं हम सधवा है। हमारे भारत में जो कोई विधवा हो जाता है ना कौन सा कपड़ा पहनते हैं, सफेद पहनते हैं। लेकिन सधवा कौन सा कपड़ा धारण करते हैं, सफेद पहनते हैं नहीं, लाल नील हली तरह तरह का रंग धारण ये पहनते हैं। इसलिए कहते हैं हम सधवा हम विधवा थोड़ी है, किसकी सधवा, हाँ इसे ये भक्ति प्रज्ञान कैसे हो स्वामी महाराज कह रहे हैं। कहते हम कृष्णा हमारे प्रियतम है। इसलिए आप ब्रज में जाकर देखना जैसे हमारे भारत में जैसे इधर है जैसे उड़ीसा बंगाल दूसरे दूसरे तरफ में जब पति शरीर छोड़ देती है ना स्त्रियां बड़े रंग बिरंग का कपड़ा नहीं पहनती, कौन सा कपड़ा पहनती, सफेद। लेकिन तुम ब्रज में जाओ किसी स्त्री को सफेद कपड़ा पहनते हुए नहीं देखो, कोई नहीं पहनते बोले ब्रज में, बोले क्यों नहीं पहनते, बोले हमारे पति तो ये जगत का जो पति थोड़ी पति है, पति मतलब क्या, प मतलब पालन करना, अति मतलब संसार से जो हमें त्राण करे, जो हमें पालन करे और संसार से त्राण करे वो पति है, वो असली पति तो जगन्नाथ है, असली पति तो हमारे कृष्ण है। ये जगत में रहने के लिए हमें एक पति को स्वीकार करना पड़ा लेकिन हमारी असली पति तो कृष्ण है। इसलिए ब्रज में कोई भी स्त्रियां कभी सफेद कपड़ा नहीं पहनते, वो जैसे शादी का समय में जैसे कपड़ा पहनती थी वो हर समय उसी कपड़े में ही रहती है हर समय है। इसलिए जो कसाय वस्त्र यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कहते पारमहंस विषय कसाय वस्त्र है, इसलिए कोई कोई ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं ये सन्यासी को कसाय वस्त्र पहननी चाहिए है, ये वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसलिए हम वृंदावन में रहते रहते देखा कुछ बाबा जी लोग हैं वो माता जी को साथ में रहते हैं, क्योंकि ये जो सफेद कपड़ा है ना सफेद कपड़ा ऐसे है पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता। इसलिए बड़े बड़े बाबा जी लोग हम देखा उसमें माता जी को साथ में रहते पता नहीं चलता सफेद कपड़ा। लेकिन अगर ये वस्त्र पहन करके तुम किसी स्त्री को साथ में अगर तुम रहोगे जाओगे दुनिया क्या बल क्या बाबा जी क्या हो रहा है, ये वस्त्र तुम्हें पहनने नहीं देगा, ये वस्त्र तुम्हें ये गलत काम करने वस्त्र नहीं देगा, हटा तुम्हें बाधा देगा, क्या कर रहे हो हैं साधु होकर क्या उल्टा पुल्टा काम करो, झट तुम्हें बाधा देगा हैं। इसलिए ये पहले से ही हमारे वेदों में जो सन्यासी लोग हैं जो भक्ति करने वाले ब्रह्मचारी लोग हैं उनको सबके सब कसाय वस्त्र पहनने का विधान। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं प्लस श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब उनने सन्यास ग्रहण किया उन्होंने कौन सा वस्त्र धारण किया, ये कसाय वस्त्र को उन्होंने कसाय वस्त्र को धारण किया है। इसलिए और श्री गदाधर पंडित यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति है जो भक्ति है हाँ गृहस्थ में रह करके भी भक्ति हो सकती है, जैसे जो गृहस्थ भक्त लोग है जो गृहस्थ लोग है वो घर में रह करके भक्ति कर रहे हैं लेकिन कितने दिन तक गृहस्थ, कहते 50 साल के बाद में नहीं फिर मना करते हैं 51 52 54 और घर तो नहीं घर में नहीं घर से निकलो भजन करने के लिए, क्योंकि घर में जो संन्यास एक व्यक्ति बन करके जो काय मन वाक्य को दंडित करके वो जैसे भगवत सेवा कर सकता है जैसे कृष्ण प्रेम में डूब सकता है कहते एक गृहस्थ व्यक्ति रहकर करना कठिन है, क्यों घर में रहोगे तो आधा एनर्जी तो पत्नी को दोगे, अगर दो चार बच्चे हो गए ना और थोड़ी बहुत जो एनर्जी है ना बस बच्चों को दे दिया फिर तुम्हारे पास में क्या रहेगा, भगवान के देने के लिए तुम्हें क्या रहेगा। इसलिए पहले जैसे धृतराष्ट्र और नंद बाबा स्वयं दशरथ महाराज वो जा रहे थे हैं उसको बाद में कहाँ जा रहे थे वानप्रस्थ में दिखाए ना वानप्रस्थ में चले गए। इसलिए कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों अंतिम समय में वानप्रस्थ में गए, बोले क्यों, बोले घर में रह करके भक्ति करना बड़ा कठिन है क्योंकि वहां पर रहोगे तो
चारी तरफ में आसक्ति रहेगा, नाती पोती दुनियादारी सारी सब प्रति तुम्हारी स्वाभाविक रूप में आसक्ति तुम्हारी जाएगा ही, स्वाभाविक रूप में आसक्ति जाएगा। इसलिए घर में रह करके भक्ति करना बड़ा कठिन। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अंतिम समय में उन्होंने संन्यास लिया, बोले सबको एक दिन संन्यासी लेनी चाहिए। जब तक संन्यास नहीं लेंगे तब तक पूर्ण रूप में भगवान को तुम दे नहीं सकते। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य महाप्रभु को प्रश्न किया, बोले प्रभु आपका घर में क्या प्रतिकूल था भजन करने का, आप संन्यास कर लिया, पत्नी क्या प्रतिकूल थी आपको तो सेवा करते थे, माँ क्या प्रतिकूल थी वो भी तो तुम्हारे आपको सेवा करते थे, पर ये संन्यास आपने क्यों ग्रहण किया, कोई तो दिक्कत नहीं था घर में भजन कर सकता। महाप्रभु बोले अद्वैत आचार्य जब तक कोई संन्यास नहीं लेता है ना, कृष्ण इसलिए बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जब तक संन्यास नहीं लोगे वो पूरा के पूरा भगवान को कोई दे नहीं सकता है। संन्यास लोगे तभी पूरा के पूरा तुम सबको भगवान को दे सकते हो। लेकिन घर में रहने पर हैं, अब देखना एक व्यक्ति जितने वृद्ध होता जाएगा संसार में, संसार से अनासक्ति नहीं होता है, उतना संसार में आसक्ति, उतना नाती को ऊपर, उतना पोती को ऊपर, उतना दिन, उतना ही जितने देखना वृद्ध होगा उस संसार से अनासक्ति वो नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा आसक्ति है, ज्यादा आसक्ति बढ़ती जाएगा है। इसलिए कैलाश को क्या हुआ, कैलाश क्या हुआ है, जब नारद जी बोले कैलाश भजन करोगे, भगवान बोले एक दिन नारद जी दुनिया में आए घर घर में गए और सबको पूछा ठीक ठाक हो, ऊपर से तो मुंडी हिलाई सबके सब ठीक ठाक है, मुंडी हिलाई ठीक ठाक है, लेकिन जब अंदर की बात बोले ना, देखा संसार में कोई ठीक नहीं, सब दुखी, कोई तन से कोई मन से कोई धन से कोई परिवार से दुखी दुखी, किसको देखा नहीं सुखी, वैकुंठ गया तो वैकुंठ खाली पड़ा, बोले प्रभु कुछ जीवों को उठा कर ले आओ ना, हमने घर घर में गया देखा सब दुखी दुखी, एक को भी सुखी नहीं देखा, सब दुखी, कुछ लोग को ले आओ यहाँ पर वैकुंठ पूरा खाली पड़ा हुआ, कोई चंदन घिसेगा कोई माला बनाएगा कोई रसोई बनाएगा कोई सब्जियां बुनिया करेगा, कितना सेवा। भगवान ने बोले मैंने चबीस चबीस बता लिया लेकिन एक को भी ला नहीं पाया, बोले क्यों इतना बहाना बना रहे हैं प्रभु जी, हमने देखा संसार में सब दुखी दुखी कोई आना नहीं चाहता, बोले नहीं, बोले मेरे को विश्वास नहीं। भगवान ने बोले ठीक है ये दायित्व तो तेरे ऊपर देता हूँ, तुम जितना लोग आना चाहे सबको वैकुंठ ले जाओ, बोले आज ही ये वैकुंठ जो पूरा खाली है ना आज ही भर जाएगा, पूरा राता रात भर दूंगा। नारद पूरा प्रतिज्ञा लेकर के आए और उन्हें देखा एक किसान खेती कर रहा है, पसीना पसीना बह रहा था, बोले ये जरूर जाएगा, इतना कष्ट भोग कर जरूर जाएगा। बोले किसान भैया वैकुंठ चलोगे, बोले वैकुंठ मैं खेती कर रहा हूँ, बीवी बच्चे दुनियादारी कोई काम धाम नहीं बाबा का, अगर तुम कभी चलो अपना रास्ता देख वैकुंठ जाना। और थोड़ी दूर गए देखे एक माता जी कुएं में पानी भर रहे थे, बोले माता जी तो जाएगी, बोले माता जी वैकुंठ चलोगे, पूरा खाली पड़ा हुआ, मैंने भगवान से कसम खा कर आया वैकुंठ भर दूंगा, चलोगे, बोले बाबा मैंने रोटी बना करके अभी आई, अभी घर पानी लेकर के जाऊंगी कुएं से, फिर मैं सब्जी बनाऊंगी, पति बच्चे इनके खाना खिलाऊंगी, तो बोले वैकुंठ अपना रास्ता देख, कोई काम धाम नहीं बाबा का, तो वैकुंठ चलो। बोले ये तो ठाकुर जी सही बात कह रहे, कोई जाना नहीं जा रहा। फिर उन्होंने आगे आगे गए, आगे गए जिसको पूछे कोई जाने के लिए तैयार नहीं, देखा 100 साल के बूढ़ा बैठा हुआ घर के सामने, बोले तो जरूर जाएगा बूढ़ा हो गया। बोले बाबा नाम क्या, बोले कैलाश, बोले कैलाश, बोले हाँ, बोले वैकुंठ चलोगे, बोले हाँ जाने का तो इच्छा है, बोले चलो, बोले एक काम केवल बाकी रह गया इसको खत्म करके चलूंगा, बोले क्या काम बाकी रह गया, बोले मेरा जो छोटा बेटा है ना उसका सगाई हो गई, बस शादी हो जाएगा फिर सारे काम खत्म, फिर तो चलूंगा। बोले कब आऊं, बोले कुछ दिन बाद में आओ, कुछ दिन बाद में आया तो बोले क्या हो गया शादी, बोले बहुत अच्छी बहू आई है, ये सवेरे होते ही सवेरे उठते ही प्यार छूती है और चाय पानी एकदम पराठा खिलाती है और बहुत प्यार करती है, इसीलिए बोले फिर चलो। बोले देखो पुत्र को जन्म देने से पुत नाम का नरक जोरदार होता है, लेकिन अगर नाती पोते को देखा ना हमने सोचा स्वर्ग जाते हैं, बहू अभी गर्भवती है बच्चा दे देगा ना, पास उसका मुंह देख कर सीधा
बोले कब देगा, बोले देने देने वाले। नारद जी कुछ दिन बाद में आए, देखा हुए ही नहीं। बोले बेटे को पूछा पिताजी का, बोले पिताजी का स्वर्गवास। बोले स्वर्गवास हो गया, हे भगवान इतने कष्ट से एक चेला बनने वाला था वो चेला भी चला गया। बोले तो कहीं नहीं गया होगा, ये घर में कहीं ना कहीं होगा, क्यों संसार में आसक्ति था। जम जम व्यापी शरण भाव तेजंत अंत कलेवरम तम तम एव कौंतेय सदा तद्भाव। एक घर में है, क्योंकि मरते समय जैसे सोच सोच करके मरो वैसे ही जन्म होता है। ये घर में कहीं ध्यान लगाया, देखा कुत्ता बंद करके आया, रात भर पहरा देता है, भो करता रहता है। बोले क्यों कैलाश कुत्ता बन गया, बैकुंठ कब चलोगे, चलोगे कि नहीं। बोले गुरुजी ये जो जमीनी जगह था इसे देख रहे ना, देखो क्या आसक्ति, ये जमीनी जगह तो जितने देख रहे हो ना ये सब मैंने बनाया, खून को पानी करके मैंने सब जमीन जगत बनाया। ये नाला है कि बेटा रात को सो जाता है, कौन आकर क्या उठा कर ले जाएगा, मतलब तो कुछ ध्यान नहीं रहता है। रात भर में भो भो करते करते पहरा लगाता हूँ रात भर। बोले चलो, बोले बच्चा उतना भोना हो जाए, कब आऊं। बोले कुछ दिन बाद में आओ। आकर के देखा कुत्ता भी खत्म, घर में बैल बन कर आया है। बोले कब चलोगे, बोले गुरुजी ये जो जमीन है ना मैंने इतना कष्ट कर किया, ये बच्चा खेती नहीं करता छोड़ देता है, उसको मैंने जोर जबरदस्ती लेकर खेती करवाता हूँ। बोले देखो कितना आसक्ति, देखो मैं स्वयं देखा है। सब छोड़कर मंदिर में आ गए, मंदिर में संन्यास भी ले लिया, लेकिन कुछ शादी करके घर से आए थे, संन्यास ले जा कर, लेकिन मंदिर का सब वस्तु इकट्ठे करके जब सुजोग मिलता ना छुपा छुपा लेकर घर में गया, सन्यासी बन गए। मैं स्वयं सन्यासी बन गए मंदिर में। ये आसक्ति कितने जोर जबरदस्ती, मैंने अपना आंखों से कितने सन्यासी को देखा। ये आसक्ति छुटना बड़ा कठिन, भगवान की सेवा की संपत्ति को छुपा छुपा करके देख। इसलिए कोई अगर सोचा हम संसार करके फिर भजन करके, भैया इतने आसानी नहीं। जैसे बच्चों को, बाल बच्चों को अपना गोद में लेकर प्यार कर क्या है ना, वो आसक्ति नहीं छूटेगी। इसलिए प्रहलाद महाराज सीधा बोल दिए, प्रहलाद बच्चों को बुढ़ापा में भजन नहीं कर सकते हो, कौमार आचरित प्राज्ञम जो बुद्धिमान, और बचपन से अगर ये एनर्जी को प्रभु में लगाओगे तभी चा करके लगेगा। इसलिए उड़िया में कहते हैं बाल्यकाले धन धर्मम अर्जिवी ए जीवन अनिश्चित, बालक के मोर बोल कर बेड़े हो गोविंद सुमर। इसलिए बोले बालक के मोर बोल कर, इसलिए बचपन में नहीं करोगे ना, प्रहलाद सीधा कह रहे हैं बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता हो, क्योंकि जहाँ तुमने एनर्जी दिया तुम्हारी मन उधर जाएगा। एनर्जी अगर गुरु वैष्णव भगवान में दोगे तब ये मन भगवान की चिंता कर सकते हो। ये मत समझो हम दुनियादारी करके भजन कर लेंगे, इतने आसानी नहीं। देखो कितने आसक्ति, कुत्ता बन कर आया, उस घर में बैल बन कर आया, फिर उस घर में सांप बन कर आया। देखा कहां पर जहां बच्चे टाटी करते हैं ना वहीं पर कीड़े बन कर, बोले मेरे को बहुत आराम लग रहा है, बच्चों का जो टाटी करता ना बड़ा बड़ा आराम, कीड़े बन कर उसमें पड़े। बोले हे भगवान, फिर सांप बन कर आया, क्यों जमीन में कुछ सोना चांदी गाड़ कर रखे थे उसके ऊपर सांप बन करके बैठा हुआ। नारद जी ने देखा तो बोला डंडा नहीं पड़ेगा ना, ये ठंडा नहीं होगा, चार जन्म घूम गया इसका पीछे तब भी आसक्ति नहीं जा रही। उसको बच्चे को बोला एक डंडा लेकर के आ। बोले क्यों, बोले तेरे पिताजी कल से में कुछ सोने चांदी मोहर जमीन में गाड़ करके गए, लेकिन उसको ऊपर के सांप बैठा हुआ, लेकिन उसको मारना नहीं, कमर तोड़ देना है बस। बच्चा बड़े खुश होकर मारा पिताजी को, आप पिताजी कमर तोड़ दिया डंडा मार करके, और सांप भाग नहीं पाए, उसको फेंका। पहले खोदो, जब खोदा है ना वो सांप आप फाड़ फाड़ कर देख रहा था, क्यों आसक्ति, उसने रखा है ना पैसा को, उसको पता है इतने कष्ट करके मैंने पैसा रखा था, चार जन्म हो गया आसक्ति नहीं गई। ये मानव शरीर को बताइए कर्म जन्म, कौन सा जन्म, कर्म जोनी। एक जीवन में इतने कर्म बनता है जिसको भोग करने के लिए उसको 84 लाख जोनि भटकना पड़ता है। दूसरे जो जन्म है वो भोग जन्म है, केवल जो कर्म बनता है मानव शरीर में, हम जो कुछ कर रहे हैं इसका कर्म बन रहा है, ये संस्कार बन रही है, ये संस्कार बनते हुए जा रही है, हैं? ये संस्कार बनते हुए जा रही है, इसलिए इसको कर्म जोनि बताया।
अभी नारद पूछा क्यों कैलाश भजन करोगे कि नहीं, अरे गुरु जी भजन करूंगा, मैं जिस बच्चे के लिए उसका चार जन्म उसको पीछे भटक लिया, अरे मैंने सांप बन करके बैठा रहा, मेरे बेटा ही कमर तोड़ दिया, अभी मैं भजन करूंगा। तो नारद जी मंत्र बुद्ध करके उसको ऊपर में, फिर अगले जीवन मानव शरीर मिला, नारद जी मंत्र दिए, फिर भजन करके जो वैकुंठ गया, भगवान बोले नारद जी कितने लोगों को लेकर गए हो, बोल रहे थे एक दिन में पूरा वैकुंठ भर दोगे। बोले ठाकुर जी आप सही बता रहे थे, इसको पीछे तो पांच जन्म इसको पीछे ही घुमा इसको पीछे मेरे पांच जन्म तक घुमा, और बड़ी कठिनी से इसको डंडा मारकर लेकर गया, ये नहीं डंडा मार करके तब लेकर गया हो। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु जो सन्यास लिया है, ये सन्यास लिया क्यों महाप्रभु, ये महाप्रभु सन्यास क्यों लिया है, दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं, भैया जब तक सन्यास नहीं लोगे ना, ये काय मन और वाक्य इसको जब तक तो भगवत सेवा में नहीं लगाओगे, ये तब तक जीव का उद्धार नहीं। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, साधु पावा बड़ो कष्ट जीवे रे जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आए लग दिया, क्योंकि कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए भगवान ने स्वयं एक साधु का रूप धारण किया है। एक साधु का रूप धारण करते हुए उन्होंने कैसे एक साधु का चरित्र होनी चाहिए, उसका जीवन कैसे होनी चाहिए, उन्होंने अपना जीवन में उतार करके उन्होंने दिखाया साधु का जीवन कैसे जीवन में होनी चाहिए है, होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु भी सन्यास ग्रहण करेंगे है, कहते एई मत अन्य अन्य सब भक्त गण प्रभुर विरह सबे करे न क्रंदन। अभी भक्तों को पता चला महाप्रभु सन्यास ग्रहण करने वाले, अभी भक्त लोग कैसे सहन कर सकते, क्यों जिन भक्तों को साथ में महाप्रभु इतना कीर्तन इतना लीला इतने आनंद किया, अभी महाप्रभु सन्यास ग्रहण करते हुए महाप्रभु चले जाएंगे और कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। सन्यास होने पर तो कोई घर में नहीं रहेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा, अभी बाहर जाकर कहाँ कैसे किस रूप में अभी महाप्रभु रहेंगे पता नहीं। इसलिए सारे भक्त लोग दुखी दुखी हो गए है, भक्त लोग दुखी दुखी हो गए, भक्त लोग रो रहे हैं, कहते और महाप्रभु का हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ भक्त लोग तो अपना अन्न त्याग दे दिया, अभी जब भक्त लोग अन्न त्याग दे दिया अभी भगवान कैसे सहन कर सकते हैं। अगर भक्त लोग महाप्रभु का विरह में अन्न त्याग दे देंगे तो अभी भगवान कैसे सहन कर सकते, भगवान सहन कर ही नहीं सकते। इसलिए क्यों भगवान स्वयं आश्वासन दिया है ना, क्या भगवान का प्रतिज्ञा जो मेरे चिंतन करता है उसका सब कुछ दायित्व मैं बहन करता हूँ, उसको सब कुछ दायित्व मैं बहन करता हूँ। इसलिए महाप्रभु दुखी हो गए, प्रभु बोले तुम सब जथा तथा आमी सर्वज्ञ। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं बोले देखो भक्तों तुम लोग सोच रहे हो मैं सन्यास ग्रहण कर लूंगा चले जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो स्वयं बताया मद भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठामि, नारदी भगवान की प्रतिज्ञा है मेरे भक्त लोग जहाँ रहते हैं मैं वहीं निवास करता हूँ, ये तो भगवान की प्रतिज्ञा है, ये भगवान की ये प्रतिज्ञा ही है। इसलिए तुम लोग जहाँ पर होना मैं वहीं पर सब समय रहता हूँ, इसलिए तुम लोग मेरी जन्म जन्मांतर का तुम लोग संगी हो हैं, हर जन्म में मेरे साथ में तुम रहते हो। तो महाप्रभु कह रहे हैं और मेरा दो अवतार होगा, कितना अवतार होगा क्या क्या, इसलिए महाप्रभु कह रहे और मैं दो अवतार लूंगा। बोले यही मत आ रहा छे दुई अवतार कीर्तन आनंद रूपे हई वे अमार। महाप्रभु कह रहे हैं मेरे और दो अवतार होने वाले हैं। बोले दो अवतार क्या है, बोले एक है कीर्तन रूप में, एक है मैं कीर्तन रूप में अवतीर्ण होऊंगा और एक अर्चा विग्रह रूप में
ही जगत में और मेरा ये दो अवतार होने वाला है, एक अर्चा अवतार और एक श्री कीर्तन अवतार, ये दो अवतार होने वाले हैं। इसलिए कहते जो अर्चा अवतार कौन है, कहते अर्चा अवतार कौन है, ऐसे जैसे जगन्नाथ जी, श्री बलदेव, सुभद्रा, ये कहते ये अर्चा अवतार, ये भगवान ये अर्चा अवतार है। इसलिए चैतन्य भागवत में बताया ना, क्या बताए, चार जगह पर मैं इस जगत में रहता हूँ, क्या 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 कहाँ कहाँ पर बोला, हाँ जोर से बोला, भागवत तुलसी गंगा और भक्त है, कहते ये चार स्थान में भगवान का विराज, एक तुलसी महारानी और एक गंगा है और भक्त का हृदय में और ये विग्रह रूप है, इसलिए विग्रह रूप में भगवान की निवास है। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, कहते ना विग्रह न तुम सख्यात ब्रजेंद्र नंदन, महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे किस रूप में दर्शन करते थे महाप्रभु, जैसे कदाचित कालीन तट विभिन्न संगीत तरल मुदा अभिरी नारी बदन कमल आस्वाद मधुप ब्रह्मा शंभो ब्रह्मा अमरपति जगन गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। ये महाप्रभु दर्शन करते थे कैसे, सुंदर वृंदावन धाम है जहाँ पर कलकल नाद से जमुना नदी बह रही है, जहाँ पर कोयल कोको कर रहे हैं, जहाँ पर मयूर केका कर रहे हैं, जहाँ पर सुंदर कदम वृक्ष है और कदम वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े होकर के मीठी 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 भगवान बंसुरी बजा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जब देखा पहली बार, महाप्रभु जब आए उन्होंने जगन्नाथ जी को दर्शन करके देखा, जगन्नाथ जी मेरे को बुला रहे, जगन्नाथ मेरे को बुला रहे, और महाप्रभु दौड़े उनको पकड़ने के लिए। जब पकड़ने के लिए दौड़े, इतने में जितने पंडे लोग थे ना, बोले एक सन्यासी कहाँ आ गया, कहाँ से आ गया, अंदर में घुस रहा है, अभी बाधा दिया पंडावों ने, बस महाप्रभु वहीं पर मूर्छित होकर के वहीं पर महाप्रभु गिर पड़े। इसलिए कहती जो अर्चा विग्रह है, ये अर्चा विग्रह नहीं, ये कौन है, ये सख्यात, ये सख्यात रूप में ये भगवान है। कहते भगवान ये जगत में क्यों आए, ये अर्चा विग्रह रूप में ठाकुर जी किस लिए आए जगत में, कारण क्या है, इसलिए कारण बताए बताए। जिस समय नारद जी इसी जगत में जब देखा सब लोग दुखी दुखी है, सबको देखा दुखी दुखी, भगवान के पास में गए, बोले प्रभु दुनिया तो आपने बनाया, बोले हाँ, बोले दुनिया तो आपने बना दिया और दुनिया को दुखी 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 कर दिया, दुनिया को हैं दुखालयम असाश्वतम, संसार दुख का घर है, और आप तो वैकुंठ में अनंत नाग ऊपर शयन किए हुए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही है, सारे देवा देवी शांतागारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश स्तुति कर रहे हैं, आप तो लक्ष्मी को साथ में बड़े आनंद ले रहे हो और यहाँ पर जीव जगत तो सृष्टि करते हैं और जीव दुखी दुखी हो रहे हैं, आप वैकुंठ में आप आनंद ले रहे हो। तो भगवान बोले भैया तुम क्या बोलना चाहते, बोले प्रभु जी कहते हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख हो करके हैं, भगवान से विमुख हो करके बोले न चंद्र से सुखम नास्ती न सुखम चक्रवर्ती ना, कहते अगर कोई सोचे स्वर्ग का इंद्र बन कर सुखी हो जाऊंगा, पूछो जाकर इंद्र को, खुश हो तुम, बस यहाँ पर कोई थोड़ा भजन किया तो पहले इंद्र का आसन तक होगा लग जाता है, न सुखम चक्रवर्ती न चक्रवर्ती राजा बन कर मोदी को पूछो, ऊपर में तो बहुत बड़ा पद है लेकिन जाकर पूछो कितना टेंशन होगा, हम लोग तो भाई बिना टेंशन में है, बिना गोली के बगैर टेंशन से हे प्रसाद भाई कीर्तन किया सो जाते, बड़े बड़े व्यक्ति को जाकर पूछा सुखी हो, जिसको पास में जितने ज्यादा पैसा होगा ना, जितना बड़ा पोस्ट उतना ही दुखी, उतना ही दुखी होगा हैं। इसलिए बोले न सुखम चक्रवर्ती न, बोले सुखम मस्ती सुख है, बोले किसको पास में सुख है, बोले मन है, जो भगवान को मनन करते हैं ठाकुर जी के चरण में सब कुछ समर्पण कर दिए वही जगत में केवल वही सुखी है हैं। इसलिए बोले प्रभु ही दुनिया को पूरा दुखी दुखी देखा, इसलिए जब तक तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगा भक्ति नहीं करेगा तब तक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकते। भगवान बोले नारद जी बताओ सीधा क्या करना पड़ेगा, बोलो
मतलब क्या करना पड़ेगा, क्या जब तक आपको भक्ति पूजा नहीं करेगा तो सुखी हो नहीं सकता। अब थोड़ी नीचे चलो, जीव को थोड़ा सेवा तो दो, भगवान अपना सेवा तो थोड़ी सी दो। बोले मैं तो यहाँ पर हूँ, बोले वैकुंठ तो सुने, किसने देखा थोड़ी वैकुंठ है, कुछ किसने तो देखा नहीं वैकुंठ। बोले और थोड़ा नीचे उतर, बोले बोले मैं तो स्वर्ग में हूँ उपेंद्र वामन रूप में। बोले स्वर्ग तो सब सुने नाम, लेकिन हमें थोड़ी स्वर्ग देखा, किसने स्वर्ग देखा ही नहीं। बोले और थोड़ी सी नीचे आओ, बोले मैंने रमा वैकुंठ में हूँ, ब्रह्मांड के अंतर्गत में जहाँ पर ये दुर्वासा जी जहाँ पर गया था वैकुंठ में, तो रमा वैकुंठ है कहती है ब्रह्मांड का अंतर्गत में, जैसे ध्रुव लोक है उसी तरह वहाँ रमा वैकुंठ है। बोले वहां पर तो हूँ। बोले प्रभु किसी ने देखा रमा वैकुंठ। बोले और थोड़ा नीचे आओ। बोले मैं तो हर जीव का हृदय में, सबका हृदय में भगवान बैठे हैं। बोले हृदय में तो बैठे हो लेकिन तटस्थ रूप करना, एक टहनिया में दो तोता बैठे हुए, एक तोता तो खट्टा मीठा फल को खा रहा है लेकिन एक तोता केवल साखी रूप में देख रहा है। खट्टा मीठा फल को कौन खा रहा है? बोले जीव, कभी दुखी कभी सुखी, कभी सुखी कभी दुखी, लेकिन इस साखी रूप में कौन देख रहा है? बोले परमात्मा। इथिरदोग साई विष्णु ये साखी रूप में परमात्मा रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये तटस्थ रूप में। बोले प्रभु आप सभी का हृदय में तो हो आप, लेकिन जीव को ये अनुभूति नहीं भगवान हमारे हृदय में। किसको अनुभूति है? भगवान हृदय में बैठे, किसका अनुभूति नहीं? बोले प्रभु और उतना नीचे उतर, और उतना नीचे उतर। नारद बोलने पर भगवान स्वयं श्री जगन्नाथ जी रूप में आए, ये कृष्ण रूप में आए, बलदेव प्रभु रूप में आए ठाकुर जी हैं, और इतने इतने सुलभ हो गए ठाकुर जी, इतने सुलभ ठाकुर जी हो गए। कितना जम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंति स्तुतै वेदै सांग क्रमोपनिषद् गायति जत सामगा ध्यानावस्थित जत गतेन पश्यन्ति जत जोगिना। बोला उसके बाद में जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी वायुरथाभिमन सामन पुंगवाना, बड़े बड़े ऋषि लोग अपना है ध्यान समाधि को द्वारा जिनको दर्शन करना चाहते हैं, ब्रह्मा भी अपना ध्यान को द्वारा जिनके चरण के नख की छटा को दर्शन नहीं कर पाते है ना। देखते प्रख्यात दर्शन जगन्नाथ सख्यात दर्शन दे रहे हैं, सख्यात ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, इसलिए सख्यात भगवान है। सख्यात देखो कृष्ण दर्शन दे रहे, सख्यात गिरिराज का दर्शन, सख्यात नरसिंह देव का, सख्यात गोपाल जी को देखो महाप्रभु का दर्शन कर रहे, सख्यात रूप में इनको दर्शन कर रहे हैं, सख्यात रूप में इसलिए दर्शन दे रहे हैं। बोले क्यों? बोले जीवों को कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ही ये ब्रह्म दारु ब्रह्म रूप में, इसलिए भगवान का आठ विग्रह रूप में ठाकुर जी आए हैं, आकर के ठाकुर जी दर्शन दे रहे। ठाकुर को कोई स्पर्श कर सकता है? ब्रह्मा ध्यान को द्वारा जिनकी चरण की नख का छठा दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ पर श्यामानंद प्रभु और साक्षात ठाकुर को हैं, उसको स्पर्श करके उनको कपड़ा पहना देते हैं, कृष्ण को सुंदर श्रृंगार कर देते, जिस भगवान को कोई नहीं पा सकते उनको। और हमारे श्री है ब्रज किशोर प्रभु जी सवेरे प्रत्येक दिन है रोज रोज गिरिराज को पकड़ करके हाथों में, जिनको ब्रह्मा तक भी दर्शन नहीं कर सकते हाथ पकड़ लेते हैं, हर ठाकुर को पकड़ कहाँ जाओगे हमारे पास, इसलिए ठाकुर को पकड़ कर स्नान करा देते, घी दूध सहायता से ठाकुर को एकदम पूरा अच्छे तरह से ठाकुर को स्नान करा के तिलक देखो गिरिराज जी कितने स्वाभिमान हो रहे हैं, और सालग्राम भगवान को एकदम घी दूध में एकदम अच्छे तरह से हाथ में रगड़ रगड़ करके उनको पूरा रगड़ रगड़ करके उनको स्नान करते हैं। देखो इसलिए 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 ये चैतन्य महाप्रभु खुद ये बात को कह रहे हैं, कहले माँ मैं कलयुग में और दो रूप में अवतीर्ण ग्रहण करूंगा। कहते एक है किस रूप में? एक दारु ब्रह्म रूप में प्रकट होऊंगा, और एक रूप है मेरा श्री नाम, मैं ये नाम रूप में जगत में प्रकटित होऊंगा। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। इसलिए भगवान हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभो से बड़ा प्रभो का नाम,
हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का अंत में निकला यह परिणाम, अंत में बोलो यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का सागर को लंग सके ना बिना भूल के राम, राधे राधे बोलो ओ लंग सके ना बिना भूल के राम, कूद गया न मानव से को, कूद गया न मानव से को, कूद गया न मानव से को, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम, राधे राधे द्रौपदी झट आ गए घनश्याम, सारी के जतारा दुशासन, सारी के जतारा दुशासन, सारी बनाए हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जल डूबत गजराज पुकारा आए आगे नाम, राधे राधे जल डूबत गजराज आए आ